गाइस वेलकम बैक टू क्यूटी ट्रूबी। सो आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ एक मज़ेदार लिपस्टिक के स्वाचेस एंड रिव्यू, जो कि बहुत अच्छी है, न्यूली लॉन्च है। शेड भी काफ़ी है, कलर भी काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, इचिंग फिनिशिंग है एंड ऑल बहुत सारी खूबियाँ हैं इस लिपस्टिक के अंदर। आप सोचोगे मैं क्यों बता रही हूँ, बहुत दिन हो गए इसलिए बता रही हूँ यार। देखो क्यों नहीं देखते हो, लिपस्टिक अगर पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो परचेज़ करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। और परचेज़ ना करो तो विंडो शॉपिंग कर सकते हो, वो भी नहीं करो तो लिंक चेकआउट कर सकते हो, वो भी ना करो तो आपकी मर्जी, मैं अपने घर आप अपने घर। सो लिपस्टिक बहुत अच्छी है एंड लिपस्टिक बहुत बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, वाटर प्रूफ है, इचिंग प्रूफ है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट करके बताना लिपस्टिक कैसे लगी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड माय वीडियो। ये थ्री कलर में है मेरे पास, इसके कई सारे शेड है और इसके आई थिंक 11 शेड हैं और ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है। तो मैंने इसको यूज़ जब किया था तो कुछ ऐसे निकाल के इसको यूज़ किया था मैंने। सो यहाँ पे लिखा होता है ब्लू हेवन, आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ पे लिखा है ब्लू हेवन नॉन ट्रांसफर लिप कलर लिप लव योर लिप्स 8 आवर वियर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए नॉन ट्रांसफर। और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसकी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं एंड हाउ टू यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है, टिप्स लिखी हुई हैं, इसका प्राइस एंड शेल्फ लाइफ लिखा हुआ है। शेल्फ लाइफ 90 में बनी हुई है और आपको ये 22 तक जाएगी, तो आई थिंक 3 इयर्स तक ये वर्क करेगी, क्योंकि 90, 20, 21, 22 3 इयर्स तक वर्क करेगी। ये शेड नंबर 10 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, वाटर प्रूफ फार्मूला है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल फीचर्स, वाटर प्रूफ फार्मूला है, लॉन्ग लास्टिंग स्टे अप टू 8 आवर है एंड इचिंग फिनिशिंग है और स्मच प्रूफ है फॉर्मूला है, अवेलेबल इन वायर शेड एंड इजी टू अप्लाई एंड रिमूव, इंटेंस एंड रिच लिप कलर विथ मैट फिनिश, इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं इसके, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस तरीके की कार्डबोर्ड रहता है ये, ठीक है, और ये पैक में रहती है, तो ये कुछ इस तरीके से रहती है, ये देखिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहती है। यहाँ पे ये कैप है, ये जस्ट एक का ट्रांसफर कैप है, ये लिपस्टिक नहीं है। और लिपस्टिक पे ऊपर यहाँ पे मेंशन नॉन ट्रांसफर कलर लिखा हुआ है और ब्लू हेवन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ब्लू हेवन मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एक स्टिकर दिया है जिसपे वही सब मेंशन किया हुआ है, ठीक है, शेड नंबर एंड ऑल। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होती है, यहाँ से मैं कोशिश कर रही थी, मुझे भी नहीं पता था, वो जस्ट एक ऐसे, तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से स्मूथ एंड क्रीमी है। और ब्रश देखिए आप इसका, है ना, एकदम छोटू सा ब्रश है, आपको अप्लाई करने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और ये देखिए एक बार में भी कितना डार्क कलर दिया इसने, एक बारी में इतना डार्क कलर है। आपको मैं तीनों के स्वेचेस देती हूँ हैंड पे, तीनों सेम पैकेजिंग में है और उसके बाद आपको लिप स्वेचेस देती हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए दूसरा वाला है मेरे हाथ में, तो इसको खोलते हैं, ये थोड़ा सा अलग शेड में है, लाइट है थोड़ा इससे, है ना, ये थोड़ा मतलब पीच टाइप कलर है, पीच डार्क पीच है ये आई थिंक। तो ये शेड नंबर जो है वो है, एक मिनट में देखना ही भूल गई, इसका शेड नंबर क्या है, शेड नंबर 1 है और 10 है और ये है मेरे पास शेड नंबर 5, 1 और 10, तीन शेड नंबर हैं। तो ये तीसरे का भी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये एकदम ये यूज़ नहीं किया हुआ है तो ये ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, एकदम न्यूड कलर है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं इस पर वाटर अप्लाई करूँगी, कुछ लिपस्टिक होती हैं ये देखिए वाटर डालने से ही हट जाती हैं,
आप देख रहे हो ना कितना वाटर डाल रही हूँ मैं इस पर, फिर भी ये वहीं की वहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, सो गाइज ये तो हो गया मेरा हैंड स्वेचेस, और तुरंत ड्राई है, और इसका जो टेक्सचर है ना इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है कि वन स्वाइप में ही अप्लाई हो जाता है, इतना डार्क है। मतलब ये नहीं है कि आपको डबल कोट करना है तब लिपस्टिक डार्क होगी, नहीं, चाहे आप न्यूड लगा लो, चाहे मीडियम लगा लो, चाहे हाई डार्क लगा लो, कैसा भी लगा लो, वन स्वाइप में आपको जो उसका नेचुरल कलर है वही देगा, और इतना अच्छा पिगमेंटेड है इसका, बहुत ही अच्छे है लिपस्टिक, मुझे बहुत पसंद आई। चलिए मैं इसका लिप स्वाचेस देती हूँ आपको, एंड जब इसको लगाते हैं ना तो क्रीमी टेक्सचर लगता है, क्रीमी, बहुत ही अच्छा और स्मूथ देता है ये। ये देखिए बहुत अच्छा क्रीमी है, और मुझे खास करके बहुत पसंद आया। तो आप इसको जब लगा के छोड़ दोगे ना, मैक्सिमम आप इसको 15 मिनट बाद इस पर कुछ भी रगड़ लो, नहीं निकलेगा, जब तक आप नहीं निकालना चाहोगे तब तक ये निकल नहीं सकता है। ठीक है, सो चलिए अब इसको मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला लगाती हूँ, देखा आप लोगों ने मेरे फेस पे न्यूड कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये कलर तो ऑली, मतलब मैं लाइट मेकअप कर रही हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना अगर मैंने डार्क पे लगा लिया तो बिल्कुल भी मेरे मेकअप की जो है बैंड बच जानी है। लाइट मेकअप लाइटली मान लीजिए, मतलब मैंने अच्छे से फाउंडेशन वगैरह अप्लाई किया है, एंड ब्लश ऑन किया है, कॉन्टोरिंग किया है, जो एक नेचुरल होता है ना उस पर मैंने लाइट लगा ली तो ठीक है, बाकी का ये लाइट मेरे लिए नहीं बना है, बट फिर भी मैंने मंगा लिया, क्योंकि सब बोलते हैं ना कि आप लाइट नहीं लगाते हो, लाइट नहीं लगाते हो, तो देखा आप लोगों ने कुछ भी कर लो अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। सो डार्क, ये देखिए बिना मेकअप के मैं डार्क लगाई हूँ, वो डार्क लगाया था, फिर उसके बाद ये वाला लगाया, ये थोड़ा ऑरेंजी पिंकिश और पीच क्या कलर है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट बहुत ही प्यारा सा कलर है ना। तो ये जो होता है ना, अब देखिए, तो ये कलर ना अच्छे लगते हैं बिना मेकअप के भी, पर वो मेरा आप लोग देख ही रहे हो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लाइट नहीं लगाती, ये कारण है मेरा लाइट कलर ना लगाने का। बाकी का लिपस्टिक तीनों बहुत अच्छी हैं, तीनों शेड मुझे बहुत पसंद आए, एंड मेरा पैसा वसूल हो गया। सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, ये बात तो मैं कहना ही भूल गई, डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाकी का आपके हाथ में, चेकआउट करना ना करना मेरा काम बताने का है आपको। हैंड स्वेचेस एंड लिप स्वेचेस दोनों मैंने दे दिए, आपको पसंद आए तो दे दीजिए। किस प्रूफ लिपस्टिक है ये, तो पहले से लगा हुआ है, हाँ किस प्रूफ है ये देखिए, यानी किस प्रूफ लिपस्टिक है, स्मच प्रूफ है, पिगमेंटेड है, वाटर प्रूफ है, एंड बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, और लाइट वेट है। हाँ, मेन चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, इस लिपस्टिक को लगाने के बाद आपको लगता ही नहीं कि आप लिप्स पे कुछ अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वन स्वेच में ये अप्लाई हो जाती है, अपना कलर दे देती है, अपना पिगमेंटेशन दे देती है, और लगता ही नहीं, देखो लग ही नहीं रहा कि लिप्स पे कुछ लगाए, लाइट वेट, एकदम लाइट वेट लिपस्टिक है। कुछ लिपस्टिक ऐसी होती है जब ऐसे करते हैं तो ना थोड़ा सा बिखर जाती है, जैसे ना बिखर जाती है, फिर जब हम ऐसे नॉर्मल लिप्स करते हैं तो सुखड़ी सुखड़ी टाइप हो जाती है, और लगता है कि हम कुछ लगाएं, बोलो तो इचिंग इचिंग टाइप होता है। तो जैसे इन लोगों ने मेंशन किया है इसमें कि इचिंग नहीं होगा लगाने के बाद, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है इचिंग फिनिशिंग है, ठीक है, तो
तो वही इन्होंने जो लिखा है बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। ये लिपस्टिक इचिंग फिनिशिंग है, बहुत बहुत अच्छी है। सो अगर पसंद आए तो ले लीजिएगा, नहीं तो नहीं, आपकी मर्जी है। ओके।